स्टेट डिपार्टमेंट ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो उनका ग्लोबल पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक की रीजनल एलाय या पार्टनर है। सर, हाउ डू यू रीड दिस स्टेटमेंट? आप इसकी क्या करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये समझा जा रहा था कि जैसे इमरान खान साहब के दौर में ताल्लुकात जो थे वो ऑलमोस्ट बड़े नीचे लेवल पे चले गए हुए थे। सो आप इसको कैसे देखते हैं, दैट पाकिस्तान इज कॉन्सिडर्ड एज ए रीजनल पार्टनर एंड अमेरिका कॉन्सिडर्स इंडिया एज ए ग्लोबल पार्टनर, और इसकी जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें व्हाट डज कम इन, लाइक वे डू दे कॉन्सिडर, कहाँ कहाँ उसको वो ग्लोबल पार्टनर समझते हैं? चीमा साहब, आपने कभी शायर को काम करते हुए देखा है? अपने पैड पे शेर लिखता है, उसको पसंद नहीं आता, निकाल के फिर वो गार्बेज में डाल देता है, फिर दूसरे पेज पे डालता है, देन ये रियलाइज के अरे दूसरा वाला ये तो और भी गलीज है, फिर वो पुराना वाला गार्बेज से निकाल के उसको टिक टाक करता है। तो मुझे लगता है कि द यूएस इज डूइंग द सेम थिंग विद पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, के इमरान खान अब आउट है तो फिर वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को रिसलेक्ट करने के लिए दे आर सेइंग सडनली मैं पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको गारंटी करके देता हूँ कि अगर आप वापस इमरान खान को लेकर आ जाएं और वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी कहते हैं ना, वो उसी तरह से अगर बातें शुरू कर दिए कि वी नीड टू हैव एन अलायंस अगेंस्ट द वेस्ट, अमेरिका इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माई बुखार, तो फिर वो ही पैड वापिस गार्बेज में डाल देंगे। देखो, सो आई थिंक दैट इज वॉट इज हैपनिंग। ये सारे जेस्चर्स आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज टू द पाकिस्तानी मिलिट्री के देखो भाई, इफ यू प्ले बॉल विद अस, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मैसेज है, ये पाकिस्तानी एलिट के लिए भी मैसेज है कि भाई हम आपको रीजनली इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, आप क्यों पंगे ले रहे हैं हमारे से अननेसेसरीली, राइट? सो दैट इज द क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक अमेरिका में ये इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी से थोड़ा बहुत पेशेंस कम हो रहा है। आपने देखा होगा जब से मिड टर्म खत्म हुआ है, बाइडन की जरा पेशेंस का मेयार कम हो गया है। सबसे हमारे पेट पिछले जेलेंस्की थे, अब वो जेलेंस्की को पब्लिकली डांट रहे हैं, और मतलब ही इज लूजिंग हिज टेंपर विद जेलेंस्की। तो मेरे ख्याल से द पेशेंस विथ इंडियाज प्लेइंग फुट, मतलब इंडिया पूरी तरह से ना दरवाजे के अंदर आ रहा है ना बाहर आ रहा है, दरवाजे पे खड़े रह के बातें कर रहा है मुसलसिल, राइट? तो भाई आ जाओ कोर्ट के अंदर या बाहर हो जाओ, आप ना तो बाहर हो रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं, लाइक सो आई हैव अ फीलिंग के ये देयर इज सम इम्पेशेंस ऑन दैट सेंस एंड दे आर ट्रिगरिंग इंडिया बाय प्लेइंग बॉल विद पाकिस्तान। पाकिस्तान को उठा के 450 मिलियन दे दिया आउट ऑफ द ब्लू, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि यूएन जनरल असेंबली की बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, मिलिट्री के चीफ ऑफ मिलिट्री, सबको यहाँ पे ना तफरी कराए, उन्होंने नाश्ता करवाया। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट गोइंग ऑन, सडनली दे सीम टू बी केयरिंग। लेकिन अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ें तो नथिंग इज न्यू, व्हाट इज न्यू इज विथ इंडिया। तो अगर आप देखें कि जेस्चर तो इट इज लाइक अ पॉलिटिकल मूव, लेकिन पॉलिसी वाइज सॉलिड है वो, इनकी जो एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशंस है वो मतलब हैव बीन रिटन बाय समबडी हुज थॉट इट थ्रू। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ दुनिया को ठीक करने के लिए पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, दिस इज द थिंग, इंडिया इज आवर ग्लोबल पार्टनर इन डूइंग ग्लोबल गुड। यही है ना, चाइना को कंटेन करें, ईस्ट एशिया को, साउथ इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और डेमोक्रेटिक रखें, इंडिया के साथ मिलके दूसरे प्रोजेक्ट्स करें। सो इंडिया इज बिकमिंग लाइक अ पार्टनर, जैसा आप दोस्त नहीं बन जाते, चलो मूवी जाते हैं यार, तो यू हैव वन गो टू फ्रेंड ऑफ योर्स ना, प्रोजेक्ट भी करना है, संडे को वॉलंटियर वर्क भी करना है, तो इंडिया इज बिकमिंग लाइक दैट। लेकिन पाकिस्तान की उन्होंने फिर वही दो ही पुरानी चीजें थी, फाइट एक्सट्रीमिज्म, फाइट टेररिज्म, स्टेबलाइज अफगानिस्तान, ये दो रीजन दिए उन्होंने। सो वी सी पाकिस्तान एज ए रीजनल पार्टनर, तो वो पुरानी एफ पैक की फाइल वही मैं कह रहा था कि गार्बेज में से उन्होंने निकाली, फिर उसको फोल्ड वोल्ड करके ठीक करके फिर उसको वही नज़म को पेश कर दिया कि पाकिस्तान इज आर रीजनल एलाई एंड वी वॉन्ट देयर हेल्प। इस किसी दूसरी चीज में नहीं कहा, वी वॉन्ट पाकिस्तान हेल्प इन अफ्रीका, ये नहीं कहा, वी वॉन्ट पाकिस्तान हेल्प इन इवन, अब देखें
पिछले दो तीन दिन से ये बातचीत हो रही है कि COP27 में पाकिस्तानी हैव अचीव समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, के फाइनेंशियल जो फंड्स उन्होंने डेजिग्नेट किया है उसके बावजूद वाशिंगटन इज नॉट सेइंग दैट वी सी पाकिस्तान एन एलाई इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। जनाब दुनिया से जिससे फायदा हो सकता है उसमें वो पाकिस्तान को अपना एलाई नहीं समझ रहे, सिर्फ यही कि पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म से पाकिस्तान की तरफ ही इशारा है। वी सी पाकिस्तान एज एन एलाई इन फाइटिंग एक्सट्रीमिज्म और फिर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए। सो आई हैव अ फीलिंग के वाइल पाकिस्तानी एलीट शुड रिसीव द मैसेज जो वाशिंगटन से आ रहा है कि भाई आप हमारे से दुश्मनी मत करो, दोस्ती रखो, आपकी हम अहमियत बढ़ा सकते हैं, बट दूसरी चीज ये है कि दे शुड ऑल्सो रियलाइज के we need to find some other game to play with America other than just these two things, Afghanistan or terrorism ke alawa aur kuch agenda pe hona chahiye, because aap mane ya na mane khabar sahab ka terrorism ka jab bhi discussion chhidta hai that discussion is not good for Pakistan. Yes, so they need to have a third discussion. Wo ab India ke sath dekhe, ab environment pe baatein ho rahi hai, covid pe baatein ho rahi hai, so India is become a useful partner, friend, an ally on whom America can trust to do things. Wo message is very clear in your statements jo aa rahe hain state department se, aur jo banda deliver kar raha hai wo statement wo bhi banda Indian origin ka hai, so it has a meta jo kehte hain na bacche meta wo meta effect hai ke Indian American is speaking about India and America's relations. बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म और पाकिस्तान का जिक्र आना, दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज अप्रिशिएटेड एंड दिस इज नॉट समथिंग जो होना चाहिए। और हम यहाँ पे बड़ी बात कर रहे हैं कि ये इंडिया किन टॉपिक्स पे बात कर रहा है और जब पाकिस्तान के पास ग्लोबल लीडरशिप आती है तो वो किन टॉपिक्स पे बात कर रही है, ये एक ऑब्वियसली पेनफुल चीज़।